अगर आप लोग आईफोन विन कर गए हो, आपको नोटिफिकेशन आ गया यहाँ पे कि आपने आईफोन जो है विन कर लिया है, तो आप लोग कैसे इसे रिडीम करके परचेज कर पाओगे जानेंगे आज की इस वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट है कि मैंने आईफोन विन कर लिया, मुझे नोटिफिकेशन भी आ गया, मेल भी आ गया, बट मैं कैसे उसे रिडीम कर पाऊँगा, कैसे मैं उसे ले पाऊँगा, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को एरर भी आ रहा है। तो सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ जाए और फिर आप लोग ईजिली यहाँ से अपने आईफोन को परचेज कर पाओ, उसको रिडीम कर पाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं यहाँ पर सब कुछ, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है आपको तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करोगे टेक्निकल मिश्रा और वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर कोई एरर आता है तो आप लोग मुझे वहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो और मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो चलिए अब जानते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा। यहाँ पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी विनर्स हैं सबके नाम शो करते हैं जो जो विन किए हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ हम लोग छोड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं कैसे हम लोग रिडीम कर पाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे माई रिवॉर्ड में आता हूँ, मैंने जो परचेज किया था उस दिन। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप लोग देख सकते हो जैकपॉट विनर का लिस्ट यहाँ पे शो करेगा आपको, और नीचे में यहाँ पे स्क्रॉल करके आओगे तो टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, इसी में बताया गया है कैसे आप लोगों को रिडीम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो आपका 1,14,000 का फ़ोन था उसका यहाँ पे TDS काट उठ के 80,000 रुपये वैल्यू होता है, और फिर वो 80,000 रुपये आपको गिफ्ट वाउचर के रूप में मिला है जो कि आप लोग यूज़ कर पाओगे, और इसका जो वैलिडिटी है आपको पूरे यहाँ पे एक साल तक है। 19 मार्च 2024 से पहले आप लोग 19 मार्च 2024 तक आप लोग इसका यूज कर सकते हो एक बार अगर आप लोग चाहते हो तो, अदरवाइज़ आप लोग पहले भी कर सकते हो, मतलब जब आपको ज़रूरत हो तब आप लोग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग इसे कहाँ रिडीम करोगे, कहाँ परचेज करोगे। तो एक एप्लीकेशन एक वेबसाइट है जिसका नाम है इमेजिन ऐप रिसेलर। अब मैं आपको उस वेबसाइट पर ले चलता हूँ, तो आप लोग सर्च कीजिएगा इमेजिन, जो यहाँ पे वेब इमेजिन स्टोर है उस पर ओपन हो जाएगा। आप लोग सर्च कीजिएगा इमेजिन ऐप रिसेलर करके, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा और मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोगों को आईफोन लेना है, ठीक है। आईफोन 14 पे हम लोग बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग जब आएंगे तो हम लोगों को व्यू डिटेल करके शो करेगा। आप इसी के स्टोर से ले सकते हो या फिर वेबसाइट से ले सकते हो। आपको ख़रीदना होगा तो यहीं से ख़रीदना होगा, अदरवाइज़ आप लोग कहीं और उसे रिडीम नहीं कर सकते हो, यहीं पर रिडीम होगा आपका वाउचर, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और मान लीजिए कि आपको यहाँ पे लेना है आईफोन 14 प्रो या फिर आईफोन 14 प्रो मैक्स, जो भी फ़ोन आप लोग लेना चाहते हो, तो यहाँ पे व्यू डिटेल पे आप लोग क्लिक करोगे, ठीक है। इसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो है ओपन हो जाएगा नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इन स्टॉक में है, अवेलेबल है। आपको जो कलर लेना है कलर सेलेक्ट करोगे, उसके बाद जितना वेरिएंट में चाहिए आपको स्टोरेज उतना वेरिएंट से चूज करोगे यहाँ पे, उसके बाद सब कुछ यहाँ पे देख के और इसे आप लोग ऐड टू कार्ट कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ इसके बाद आपको क्या करना है। गो टू कार्ट में आप लोग जब जाओगे तो फिर यहाँ पे आता है मेन आपको रिडीम करने का ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा समरी इसका शो कर जाता है, ठीक है। सब टोटल कितना है और टोटल सब कुछ यहाँ पे बता देगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको आता है गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपना गिफ्ट कार्ड नंबर जो है यहाँ पे डाल दीजिएगा, उसमें पिन दिया होगा यहाँ पे डाल दीजिएगा, ऐड हो जाएगा। आप लोग चाहो तो जो फ़ोन यहाँ पे लेना चाहते हो, जो भी आईफोन लेना चाहते हो आप लोग ले सकते हो अपने बजट के हिसाब से। मैंने यहाँ पे एक और फ़ोन जो है ऐड करके रखा है, आप लोग देख सकते हो आईफोन 14 प्लस, ठीक है। ये फ़ोन अगर आप लोग लेते हो तो थोड़ा सा कम में पड़ेगा आप लोगों को, 82,900 का है और 80,000 का आपके पास वाउचर है, तो बस आपको 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा लगाना होगा और फिर आप लोग इसे परचेज कर पाओगे। तो ऐसे ही करके आपको रिडीम करना है। मुझे यहाँ पे नहीं मिला आईफोन, अदरवाइज़ मैं आपको पूरा रिडीम करके प्रोसेस बता देता ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाता, बट मैंने आपको एक तरीका बता दिया जैसे आप लोग रिडीम कर सकते हो, तो आप लोग इसे इजीली कर पाओगे और इससे बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगा आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताया आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैं हमेशा आप लोगों का हेल्प कर सकता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।